इसको साथियों आप देख सकते हैं और ये बाइट करने का प्रयास कर रहा है, आप देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा वन रक्षक। अभी हमारे कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि जमोड़ी पर एक स्नेक एक व्यक्ति के घर पे घुसा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं साथियों और उस स्नेक का रेस्क्यू करते हैं। आप लोग साथियों नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर कर लें। साथियों चलते हैं और देखते हैं। साथियों हम लोग उस स्थान पर पहुंच रहे हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद उन भैया का। साथियों चलते हैं और देख। साथियों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। कहाँ पे हैं अंकल जी? यहाँ पे है। चलिए साथियों हम लोग सड़क क्यों रुकी, चलिए बगल हो अंकल जी। यहाँ पे भैया का बड़ा सामान भी रखा है। यहाँ पे हम लोग साफ कराते हैं और देखते हैं। साथियों हम लोगों ने इसको ढूंढा, ये है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें ये अंदर घुसा हुआ है, ये यहाँ पे। अब साथियों चलते हैं, इसका रेस्क्यू करते हैं। मिल गया संग सीमा। हाँ तो खा ली जी, हमका जी, हम लोग हमका जी ना वो है जी। हाँ हाँ जी, नीचे उतर जी। बैंड बैंड हो। साथियों हम लोगों ने इसका रेस्क्यू किया है, ये आप देख सकते हैं। लेपर इसको साथियों आप देख सकते हैं, ये है वो असल का है, असल का ही है। और ये काफी खतरनाक। अब साथियों हम लोग चलेंगे, अब इसको छोड़ेंगे और साथियों ये है और ये काफी हिंसक है। माता जी साथियों ये कोबरा है। साथियों इसके बाइट करने से आप लोग कतई भी झाड़ फूंक ना पड़े, आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए और इसके काटने से एक घंटे के अंदर आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए और अपने डॉक्टर की सलाह लें और एंटीवेनम का उपयोग करें। आप कोई भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े और ये काफी खतरनाक है। और साथियों ये ऐसी मानता है कि यह बल्दा लेता है या फिर फोटो खींचता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आधे घंटे की इसकी मेमोरी रहती है, सिर्फ ये अपने प्रजाति बस को जानता है। ये सब मानताएं गलत हैं कि यह बल्दा लेता है या फिर और कुछ करता है। साथियों आप लोग किसी भी वन्य प्राणी के साथ छेड़खानी करेंगे तो वह बस अपनी जान बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। ऐसे सर्प हैं, इनको आपको काटने पर, ये आपको दबने पर, ये हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए आपने ये काटते हैं। साथियों अब हम लोग चलेंगे और इसको सुरक्षित जंगल पर छोड़ देंगे। इसको आप देख सकते हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि ये है और ये काफी हिंसक। अब हम लोग साथियों चलते हैं और इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये है, काफी आक्रामक है। इसको हम लोग पकड़े हुए हैं तो है और ये बाइट करने का प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फन फैलाया हुआ है। अब हम लोग साथियों चलते हैं और इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ेंगे। और हम लोगों ने अब इसका रेस्क्यू कर लिया है। टाइट बांध क्या हो रहा, फोरों खोद लिए अपने।
साथियों चलिए हम लोग उन भैया से बात करते हैं जिन्होंने इस सर्प को बचाया है और उनकी भी सुरक्षा हुई और इस सर्प की भी हुई। साथियों चलते हैं हम उन भैया से बात करते हैं। ये भैया हैं, भैया आपका शुभ नाम? सनी सिंह बघेल। ये आप यहाँ कब से था? अभी दोपहर को तो हम देखे। जी जी, पहले लगा मार दे, फिर हम कह रहे सामान्य नहीं मारना चाहिए तो आपको फोन लगाए फिर। जी जी, तो हम लोग आके सुरक्षित पकड़े, मेहनत किया, आप लोग पूरा सामान बाहर निकाले। अब ये कि सामान हमको अंदर रखना पड़ेगा, दिक्कत है। हाँ, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हो गया, ठीक है, बताइए तो हम लोग भी रख भी देंगे। नहीं, मगर धन्यवाद आपका, बहुत मेहनत किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। आपने इस दादी काफी डरी हुई थी, दादी हम लोगों ने सांप को पकड़ लिया, ठीक किया आपने, देखा ना। ये अंकल जी, अंकल जी आपका शुभ नाम? पी एस दुबे। आप यहाँ, ये आप कब से था? ये जो है अभी मैं स्कूल से आया, सनी जी के द्वारा ये जानकारी के जो है यहाँ सांप घुसा है, तो और मैं अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने बहुत श्रम करके और इतना सामान हटा करके इसको पकड़ा। हम सभी कॉलोनी वासी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथियों हम लोग इस स्नैक को लेके यहाँ पे आ गए हैं, ये डिबा डांड का जंगल है और इसके लिए यह उपयुक्त स्थान रहेगा। साथियों चलते हैं और इस स्नैक को हम लोग ये छोड़ते हैं। साथियों ये है, इसमें ये है, साथियों ये अब निकल रहा है, अब चला जाएगा ये अपने स्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हम लोगों ने इस स्नैक को यहाँ पे छोड़ दिया। साथियों यह मेरा कार्य आप लोगों को कैसा लगा कृपया मेरे कमेंट में जरूर बताएं और साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो अगले वन्य प्राणी के साथ, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।